तो अभी बज गए हैं सुबह के 9 और अभी मेरे को जाना है। मैं सोची थी शाम को मार्केट जाऊंगी, पर अभी मैं फटाफट से केक वगैरह ला के आज उनको सरप्राइज करती हूँ और छोटे से बलून वगैरह, थोड़ा सा डेकोरेशन होगी, थोड़ा सा कुछ स्पेशल करते हैं और फटाफट चलती हूँ और तक्षु को देखती हूँ। अगर तक्षु ज़्यादा जिद करेगा जाने के तब ले जाऊँगी, वरना धूप बहुत हो रही है तो नहीं ले जाऊँगी। फटाफट से काम शुरू करते हैं, फटाफट जाना भी मार्केट, मिलते भी थोड़ी देर में। चलती हूँ मैं मार्केट के लिए और दादी के साथ जा रही हूँ क्योंकि दादी को भी काम है और मुझे भी केक लेना है। तो अभी निकल रही हूँ, तक्ष को छोड़ के जा रही हूँ। तक्ष मान गया है, बस उसने बोला है कि मम्मी मिल लेना तरबूज लेके आना, तो उसको तरबूज में मैंने मना लिया है। अब दादी देखो तैयार हुई नहीं हुई है, तो फटाफट से चलते हैं। टुकटुक वाले को भी फ़ोन कर लिया है मैंने। गाइस बज चुके हैं 1:30 और आप मेरी हालत देख सकते हैं, धूप से ऐसी हालत ख़राब हो रखी है ना, इतनी गर्मी है बाहर। अच्छा हो मैं तक्ष को लेके नहीं गई, पर तक्ष आज बहुत खुश है क्योंकि तक्ष अभी मैं उनके लिए जो है यहाँ पे डेकोरेट करूँगी, तो तक्ष भी उसमें मेरी हेल्प करेगा ना। तक्ष अंदर बर्फ लाएंगे ना बाहर, तो फिर अभी तक्ष देख सकते हैं आप कितना एक्साइटेड है। अभी तक्ष ने केक भी देखा ना, तक्ष अभी मैंने आपको केक दिखाया था ना, कैसा लगा आपको? अभी हमने फ्रिज में रख दिया है केक और शाम को करने वाले हैं बुड्ढों के लिए सरप्राइज पार्टी और अभी कर देते हैं डेकोरेट। मम्मी केक खाऊंगा, खा पी लेते हैं। हाँ बाबा आप काटोगे, ठीक है पहले खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद तक्षु को मम्मी खाना खिलाएगी गंजा और उसके बाद हम डेकोरेशन करेंगे। गाइस मार्केट में बिल्कुल बनाने का हालत नहीं थी क्योंकि दादी के साथ तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा धूप भी थी। गाइस अभी जस्ट पहुँच के ही मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना खाने के बाद जो है अब बहुत बुरा थकान लग रही है और अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। बाहर बहुत ही भयंकर लू चली, इतनी गर्मी है ना, इतनी हालत खराब है, मुँह में जलन बढ़ गई है। बाहर गई थी मैं अभी बर्तन, अभी थोड़ी देर में धोती हूँ, थोड़ा धूप कम हो जाए क्योंकि अंदर हमारे सिंक नहीं है ना इस वजह से। और तक्ष भी सोने के लिए बोल रहा है, तो उसको मैं फटाफट से सुला देती हूँ क्योंकि एक घंटा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, एक घंटा तक्ष को भी करा देती हूँ और उसके बाद की तैयारी करते हैं। हस्बैंड तो आज जल्दी आ जाएंगे, पर वो सो जाएंगे तो सोने के बाद मैं आराम से कहाँ पे डेकोरेट कर सकती हूँ। तो अभी तक्ष को सुला देती हूँ, है ना तक्ष सोने नींद आ रही है? अच्छा तो होने लग गई है तैयारी और ये रहे मेरे बलून जो कि मैं फुला रही हूँ और ये हमारा तक्ष जो कि बहुत ज्यादा खुश है बलून्स को देख के। तक्ष कौन से वाले बलून्स है बाबा, इसको क्या कहते हैं, कौन से वाले बलून्स है? रेड वाले बलून है ये। अच्छा फटाफट से इसको, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं बाहर हॉल में इसको करूँ कि यहाँ रूम में करूँ, देखो क्या होता है। अभी फिलहाल फुला लेती हूँ। टायर्ड हो गया, बाहर करना है डेकोरेशन हॉल में और देखते हैं तक्षु क्या कर रहा है। तक्षु तरबूज कैसा लग रहा है बेटा? ओल बाबले, ऐसा थोड़ा ना खाते, इसको खत्म तो करो पूरा। ऐसे नहीं खाते बेटा। और यहाँ से मेरा डेकोरेशन होने लग गया है गाइस शुरू, जो कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगी। अभी मैंने डेकोरेट कर दिया है, एक छोटा सा डेकोरेशन है, मेहनत लगी है फिर भी तक्ष के साथ आपको पता है कितना परेशान करता है। अभी बाहर साइकिल के बहाने बेच के फिर मैंने फटाफट से तैयार किया, अब मैं आपको दिखाती, बताइए कैसा लग रहा है। ये है कि साइकिल में चलो, तो अभी थोड़ा सा साइकिल में घुमा के आती हूँ 5-10 मिनट, फिर अपना काम करती हूँ। इतना ज्यादा एक्साइटेड रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ तक्ष ने मुझे कौन से कपड़े पहनाने के लिए कहा। खुद अपने अलमारी के पास गया, मम्मी मुझे कपड़े पहना दो करके। मैं, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, मैं सोची थी नॉर्मल कपड़े पहनाऊंगी, बट इसने देखो कैसे पहन रखे। मैं सोची थी कैजुअल कपड़े पहनाऊंगी, पर इसने किसके कपड़े, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पहन रखे इसने। तक्ष ये देखो, तो ये रही है, आज क्या है, किसका बर्थडे है आज? मेरा, केक काटोगे? अम्मी चॉकलेट दिखा दो, फिर अम्मी चॉकलेट दिखा दो। वाह दो है, दिखाओ। ओह माय गॉड, तक्षु है बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा कि मतलब उसको केक काटना है। बच्चों को केक काटना मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और कपड़े उसने ऐसे पहन लिए ना, खुद से चूज कर रहे हैं। मैं उसको भी वो कैजुअल कपड़े बनाने वाली थी, उसके हालात देख सकते हैं, मतलब ना टेबल के आसपास घूमने में लगा हुआ है। तो फटाफट से मैं भी थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद फिर सेलिब्रेट करते हैं। अभी हस्बैंड को बतानी है, देखो कैसे एक्सप्रेशन रहते हैं उनके, मिलते हैं अभी थोड़ी देर।
मैं भी हो गई हूँ रेडी। आप देख सकते हैं मेरा लुक, मैंने एक सिंपल सी कुर्ती वेयर करी है और डेकोरेशन के साथ हम लोग फोटो खींचने वाले हैं। और तक्षु को मैं दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा एक्साइटेड है। तक्षु यहाँ देखो गाइस को बताओ आज क्या है। गाइस को बताओ आज मेरा बर्थडे। क्या क्या करोगे? हैप्पी बर्थडे काटूंगा, केक काटूंगा ऑल और दूध। चलिए बोल, अच्छे से बोल। क्या करेगा? सबको केक खिलाओगे? हाँ। हैप्पी बर्थडे आज आपका? हाँ। नहीं, आज मम्मी पापा की ना सालगिरह, आज के दिन हमारी शादी हुई थी बुद्धू। सच में? तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ को, आप देख सकते हैं यहाँ से डेकोरेशन भी दिख रही है हमारे। और तक्षित पीछे साइकिल चला रहा है और क्या कहते हैं, अभी उनको फोन मैंने किया हुआ है तो अभी वो आ रहे हैं। तो उनके आने तक वैसे मैंने सब कुछ कर ही दिया, लगभग सारा मेरा काम हो चुका है, खाने पीने से लेकर एवरीथिंग। और देखो कब तक आते हैं, फिर फटाफट से केक वगैरह कट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस मैं आपको बताना भूल गई कि कल मुझे जाना है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए। और उसकी पैकिंग जो है मैंने बिल्कुल भी नहीं कर रखी है, मेरी ट्रॉली मैंने बाहर रखी तो वही है पर पैकिंग वैसी रह रखी है। तो अभी मेरे को पैकिंग भी करना है, तो मैं सोची थी फटाफट से ये काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं पैकिंग करना भी शुरू कर दूंगी। आपको दिखाती हूँ सबसे प्यारी हमारी इमली की प्यारी सी बच्ची, जिसकी अभी धीरे धीरे आँख खुलने लग गई है। पहले आँख नहीं खुली थी, आज देख सकते एक आँख खुल गई है, एक आँख थोड़ी सी खुली है, अभी खुलने वाली है। कितनी क्यूट है ये। इसको मैं सेल्फी की मम्मी को दूंगी क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर व्हाइट कलर की बिल्ली होगी तो मुझे देना। तो ये बहुत ही क्यूट होने वाली है, इसका मुंह देखिएगा गाइस कितना सुंदर मुंह है। लव यू टू बेटा। हस्बैंड आ ही गए हैं, बस अभी देखो कब तक पहुंचते, शायद आ गए, अभी देखते हैं। सरप्राइज, कैसा लगा आपको? अच्छा। बहुत अच्छा, बवाल तो नहीं लग रहा? चलो पसंद आ गया हस्बैंड जी। हम लोग काटने जा रहे हैं केक, ये आप देख सकते हैं केक है, अब हमारा केक कटने वाला है फाइनली। इनको सरप्राइज बहुत पसंद आया। हेलो बोल दो मम्मी। हेलो। और दोबारा से मम्मी को ढोक दे रही हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद देना है। हमारी एनिवर्सरी फाइनली अच्छे से बन गई है और जब वो कट कट केक कैसे चार चार के बना ले, आप केक बड़े हम लोग एंजॉय करेंगे। ये तक्षु सबसे ज्यादा खुश होता है। हमारी एनिवर्सरी बन गई है बहुत ही अच्छी तरीके से, भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद की वजह से, और हमको आया बहुत ही ज्यादा मजा। तो गाइस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारा आशीर्वाद देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लेते, बेल आइकन नहीं करेंगे गाइस तो आपको वीडियो की अपडेशन नहीं मिलेगी। तो वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे का जो ब्लॉग आने वाला है वो डेली ब्लॉग आने वाला है, तो जल्दी मिलते हैं। बाय बाय कर दो। बाय।